हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डे टू डे लाइफ सुराज वर्मा। आज आप सभी लोगों के लिए शाओमी की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया MI पावरबैंक 2i का एक छोटा सा रिव्यू और अनबॉक्सिंग करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सब लोग आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पे एक MI की पॉलीथिन आई है। यहाँ पे कुछ इस तरह की पॉलीथिन आई, मैंने शाओमी की ऑनलाइन साइट से ही इसको ऑर्डर किया है, मीन्स जो शाओमी की खुद की साइट है वहाँ से ऑर्डर किया है। और ये पैकेज मेरे को अप्रॉक्स 5 से 6 डेज में मेरे होम टाउन तक शिफ्ट हो गया है। तो और यहाँ पे मेरे को ये बिल दिया गया है, जो बिलिंग है इसकी 7999 की दी गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। मैं इसको पहले से ही खोल चुका हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के उससे। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से पावर बैंक का पैकेज दिखता है, ये देखिए। एंड यहाँ पे लिखा गया है मेड इन इंडिया ये पावर बैंक, जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे 10,000 mAh MI पावर बैंक 2i लिखा गया है। बॉक्स की फ्रंट साइड कुछ इस तरह है। बॉक्स के राइट साइड में सिर्फ एक MI की ब्रांडिंग दी गई है। बॉक्स के पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स दी गई है और लेफ्ट की तरफ MI। एंड यहाँ पे एक सील दी गई है, यहाँ पे भी एक सील दी गई जो मैं पहले से ही खोल चुका हूँ। अब यहाँ पे जो पीछे की तरफ आप लोगों को जो डिटेलिंग दी गई है, जो डिटेल्स बताई गई है, वो कुछ इस तरह है कि ये जो बता रहा है कि जो MI का A1 है, MI A1 2.2 तक चार्ज कर सकता है, मतलब अप्रॉक्स आपको 2.2 चार्ज दे सकता है, मतलब 25% और चार्ज करेगा, मीन्स दो टाइम तो चार्ज कर ही देगा 100 तक, और 25% और चार्ज कर देगा। इसके बाद iPhone 7 को 3.5 टाइम्स चार्ज कर सकता है फुल चार्ज, एंड iPad मिनी 4 को 1.3 फुल चार्ज कर सकता है। एंड यहाँ पे फोर्थ फीचर इसका कुछ इस तरह से है कि 2-way क्विक चार्ज है। लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है, एल्यूमिनियम एलॉय प्लस CNC एजेस दी गई हैं इसमें। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 10,000 mAh का पावर बैंक 2i लिखा हुआ दिख जाता है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है PLM09ZM, एंड यहाँ पे सेल कैपेसिटी है 10,000 mAh, 3.7 volt, 37 watt के ऊपर। एंड इनपुट जो इनपुट प्रॉप है माइक्रो USB केबल, आउटपुट प्रॉप जो है USB A, एंड इनपुट जो इसका 5.0 volt 2.0 ampere एंड 9.0 volt 2.0 ampere। आउटपुट जो है 2 into 5.1 volt एंड 2.4 ampere, 9.0 volt, 12 volt, 15 watt मैक्स दिया गया है इसमें। और भी कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं। और दोस्तों ये जो चीज़ है इसको आप ज़रूर देखें, अगर आप किसी भी ऑनलाइन साइट से अगर MI का पावर बैंक ले रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत ही छोटी से अक्षरों में लिखा गया है जो इसकी MRP है 1199, मतलब 1199 रुपीज़, जो कि उस वैल्यू में आपको ये नहीं आता, ये 799 में आता है। बाकी इसमें ऐसा और कुछ है नहीं। तो चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ से जो है ये ओपन होता है, यहाँ कुछ इस तरह से ये खुल जाता है। यहाँ मैं इसको निकाल लेता हूँ, इस बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। इसमें कुछ एक और आई चीज़ भी है जी, हाँ ये जो है ये आपके लिए एक यूज़र मैनुअल गाइड दी गई है, 10,000 mAh पावर बैंक की यूज़र मैनुअल गाइड है। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस पर देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आप लोगों इसमें क्या क्या दिया गया है। तो प्रोडक्ट ओवरव्यू बताया गया है इसमें। यहाँ पे एक माइक्रो USB इनपुट मिलेगा इस जगह पे, पावर चेक, यहाँ पे चार लाइट्स मिल जाएंगी आपको, पावर इंडिकेटर्स लाइट्स मिल जाएंगी, एंड USB आउटपुट और USB आउटपुट मिल जाएंगे। बाकी और भी ऐसी कुछ यहाँ पे कुछ ये जानकारी दी गई है कि जब लाइट्स कौन सी ब्लिंक होगी वो कितने MAh पे होगी, तो कितने परसेंटेज पे होगी। तो अगर फर्स्ट लाइट जलेगी तो 0 to 25 ब्लिंकिंग, LED 1 ऑफ, एंड ये सब चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। डिस्चार्जिंग टाइम बताया गया है और बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं।
पीछे की तरफ कुछ इस तरह से दिखता है, तो मैं इसको भी साइड में रखता हूँ। यहाँ पे अब हमको मिलता है हमारा पावर बैंक की पैकेजिंग, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ अपना पावर बैंक। तो कुछ इस तरह से ये निकल जाता है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अच्छी खासी एक पॉलीथीन की रैपिंग दी गई, यहाँ पे एक वाइट कलर की केबल मिल जाती है, तो इसको भी मैं निकाल के देख लेता हूँ। तो ये देखिए वाइट कलर की केबल मिल जाती है मेरे को, इसको भी साइड पर रख देता हूँ। तो जो केबल है डिसेंट साइज़ की, कोई बहुत बड़ी साइज़ की नहीं है, देख सकते हैं जैसे कि आप मेरे पूरे कैमरा में फिट हो सकती है। एंड केबल की क्वालिटी टेंगल फ्री केबल है, क्योंकि ये फ्लैट स्टाइल केबल है, तो क्वालिटी थोड़ी अच्छी दिख रही है मेरे को एमआई की तरफ से। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टाइप ए और टाइप माइक्रो यूएसबी पोर्ट कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पावर बैंक की, तो पावर बैंक कुछ इस तरह की पैकिंग में पैक हुआ आता है। ये वाली जो स्लिप है मैं चिट है जो मैंने पहले ही निकाली थी, तो मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ। एंड कुछ इस तरह से जो है ये बाहर आ जाता है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही प्रीमियम लुक देता है आपको पकड़ने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैट ब्लू कलर या मैट ब्लैक कलर आप लोग कह सकते हैं, दोनों में ही कोई अंतर है, बहुत बड़ा अंतर समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। यहाँ इस तरफ दिया गया है 10,000 mAh लिखा गया है। एंड और जो मैंने आपको पहले बताया कि 5 volts पे कितना मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मेन जो आपकी चीज़ है वो देखने के लिए मिली। ये आप लोगों को पावर बटन दिया गया है, ये आपका माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, ये आप लोगों को 2 type A यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पे लाइट इंडिकेटर्स हैं जो कि मैं अभी जला के दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 light indicators हैं, जिसमें कि अभी 2 मेरे ब्लिंक हो रहे हैं। अगर इसकी ओरिजिनलिटी की बात करूँ, तो अभी भी अगर आपको कोई भी पावर बैंक ओरिजिनल पता लगाना है कि ओरिजिनल है कि नहीं, तो पहले आप एक पोर्ट में अपना ये लगा दीजिए एंड उसी के पोर्ट में उसको पहले स्टार्ट कर लीजिए पावर बैंक को। तो कुछ तरह से ये स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं आप, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, और उसी में फिर लगा दीजिए। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ अभी आपको, तो कुछ इस तरह से लग जाता है। अगर पावर बैंक ऑफ हो जाए तो इसका मतलब पावर बैंक ओरिजिनल है, अगर पावर बैंक ऑन रहे तो सेल्फ चार्ज करता रहे तो सीधी सी बात है पावर बैंक जो है डुप्लीकेट है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनने ग्रिप दी हुई है इसमें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत टाइट है ये। एंड जो इसकी लुक एंड फील है वो बहुत अच्छी आती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं खुद, ये देखिए लुक बहुत अच्छा मिलता है इसका। यहाँ से देखिए बहुत ही ज़्यादा स्लिम बनाया गया है इसको, यहाँ पे ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। बस और कुछ इसकी क्वेरीज हो, आपको अगर कुछ पूछना हो, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, कि आप लोगों को क्या क्या पूछना है, तो बिल्कुल मैं उसके आंसर दूंगा। अगर आप जब भी पूछते हैं कि आपको ये कहां से मिलेगा, कौन कौन सी साइट पे अवेलेबल हो जाएगा, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस छोटी सी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि डे टू डे लाइफ विद राज। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट कमेंट।